18 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी एक सौसियार की मालकिन सुबह 4 बजे सुनाई दी चीखें। राजस्थान के दीपशिखा एजुकेशन ग्रुप के मालिक प्रेम सुराना की बेटी शुभांगना राजसावलानी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शनिवार सुबह उनकी बॉडी उनके बंगले पर फंदे से लटकती मिली। 40 वर्षीय शुभांगना उर्फ रुचिरा की वेल करीब 100 करोड़ रुपए थी। पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर चल रही है, लेकिन हत्या से भी इनकार नहीं कर रही है। ऐसे में पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। इसी बीच शुभांगना का उसके वकील को भेजा लेटर सामने आया है, जिसमें उसने पति से 16 साल की उम्र में प्यार होने से लेकर अब तक की सारी बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है, जब मेरी उम्र 16 साल थी तब मैं पहली बार राजकुमार सावलानी से मिली। उसने मुझे नाबालिग होते हुए भी प्यार के जाल में फंसाया और मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। 2 सालों तक हम दोनों सिर्फ संभोग के लिए मिलते थे। जब मैं मना करती थी तो वे हम मुझ पर मानसिक दबाव डालता था, जिससे मैं 18 साल की उम्र में 6 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और 6 बार ऑपरेशन करवा चुकी थी। पति राजकुमार पर आरोप है कि वह अपने 4 साथियों के साथ शुक्रवार की रात को कॉलेज में गया और शुभांगना को वहां पर रुकने के लिए फोन किया था। गार्ड को शुभांगना ने राजकुमार को रुकवाने के लिए कहा था। दोनों करीब 8 महीने से अलग अलग रह रहे थे। ऐसे में राजकुमार का अचानक कॉलेज जाना और उसी समय व्हाट्सएप पर शुभांगना को मिलने, गाली गलौज करने, अश्लील मैसेज करके प्रताड़ित किया था। ऐसे में पुलिस इसके आधार पर राजकुमार की भूमिका को संदिग्ध मान रही है। शुभांगना के पिता प्रेम सुराना ने बताया कि उनकी बेटी शादी से पहले रुचिरा सुराना नाम लिखती थी। पति राजकुमार सावलानी अलग बिजनेस करते हैं। पिछले कई दिनों से शुभांगना डिप्रेशन में थी। नौकरानी का कहना है कि वह शुक्रवार रात खाना खाकर सो गई थी। घटना का पता उसे तब चला जब वह सुबह चाय लेकर आई, जबकि आसपास रहने वालों ने रात करीब 3 बजे परिवार वालों के चिल्लाने की आवाज सुनने की बात कही। बंगले में केवल 3 लोग रहते हैं, शुभांगना, उनका बेटा मेहर और काम करने वाली बाई। बाई के मुताबिक न कोई आया और न ही कोई बाहर गया, जबकि बंगले में एक पीछे का गेट भी है जिससे कोई भी आ सकता है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और जैसे कोई सबूत हाथ लगती है आगे की कार्यवाही की जाएगी।